इतिहास की पुस्तक पहला भाग अध्याय 15। इतिहास की पुस्तक पहला भाग अध्याय 15। तब दाऊद ने दाऊदपुर में भवन बनवाए और परमेश्वर के संदूक के लिए एक स्थान तैयार करके एक तंबू खड़ा किया। तब दाऊद ने कहा, लेवियों को छोड़ और किसी को परमेश्वर का संदूक उठाना नहीं चाहिए, क्योंकि यहोवा ने उनको इसीलिए चुना है कि वे परमेश्वर का संदूक उठाए और उसकी सेवा टहल सदा किया करें। तब दाऊद ने सब इसराइलियों को यरूशलेम में इसलिए इकट्ठा किया कि यहोवा का संदूक उस स्थान पर पहुंचाए जिसे उसने उसके लिए तैयार किया था। इसलिए दाऊद ने हारून के संतानों और लेवियों को इकट्ठा किया, अर्थात कहातियों में से उरियल नाम प्रधान को और उसके 120 भाइयों को, मरारियों में से असायाह नाम प्रधान को और उसके 220 भाइयों को, गेर्शोमियों के में से योएल नाम प्रधान को और उसके साथ 130 भाइयों को, एलिसापानियों में से शमायाह नाम प्रधान को और उसके 200 भाइयों को, हेब्रोनियों में से एलीएल नाम प्रधान को और उसके 80 भाइयों को, और उज्जीएलियों में से अम्मीनादाब नाम प्रधान को और उसके 112 भाइयों को। तब दाऊद ने सादोक और एब्यातार नाम याजकों को और उरियल, असायाह, योएल, शमायाह, एलीएल और अम्मीनादाब नाम लेवियों को बुलवाकर उनसे कहा, तुम तो लेवीय पितरों के घरानों में मुख्य पुरुष हो, इसलिए अपने भाइयों समेत अपने अपने को पवित्र करो और तुम इसराइल के परमेश्वर यहोवा का संदूक उस स्थान पर पहुंचा सको जिसको मैंने उसके लिए तैयार किया है, क्योंकि पहली बार तुमने उसको न उठाया, इस कारण तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हम पर टूट पड़ा है, क्योंकि हम उसकी खोज में नियम के अनुसार न लगे थे। तब याजकों और लेवियों ने अपने अपने को पवित्र किया कि इसराइल के परमेश्वर यहोवा का संदूक ले जा सके। तब उस आज्ञा के अनुसार जो मूसा ने यहोवा का वचन सुनकर दी थी, लेवियों ने संदूक को डंडों के बल अपने कंधों पर उठा लिया, और दाऊद ने प्रधान लेवियों को आज्ञा दी कि अपने भाई गवैयों को बाजे अर्थात सारंगी, वीणा और झांझ देकर बजाने और आनंद के साथ ऊंचे स्वर से गाने के लिए नियुक्त करे। तब लेवियों ने योएल के पुत्र हेमान को और उसके भाइयों में से बेरेक्याह के पुत्र आसाप को और अपने भाई मरारियों में से कुशायाह के पुत्र एतान को ठहराया, और उनके साथ उन्होंने दूसरे पद के अपने भाइयों को अर्थात जकरियाह, बेन, याजीएल, शमीरामोत, यहीएल, उन्नी, एलियाब, बनायाह, मासियाह, मत्तित्याह, एलिपलेह, मिकनेयाह और ओबेदेदोम और पीएल को जो द्वारपाल थे ठहराया। यो हेमान, आसाफ और एतान नाम के गवैये तो पीतल की झांझ बजा बजाकर राग चलाने को, और जकरियाह, अजीएल, शमीरामोत, यहीएल, उन्नी, एलियाब, मासियाह और बनायाह अलामोत नाम राग में सारंगी बजाने को, और मतित्याह, एलीपलेह, मिकनेयाह, ओबेदेदोम, ईएल और अजज्जाह वीणा खर्ज में छेड़ने को ठहराए गए, और राग उठाने का अधिकारी कनन्याह नाम लेवियों का प्रधान था। वह राग उठाने के विषय शिक्षा देता था क्योंकि वह निपुण था, और बेरेक्याह और एलकाना संदूक के द्वारपाल थे, और शबन्याह, योशापात, नतनेल, अमासय, जकरियाह, बनायाह और एलीएजर नाम याजक परमेश्वर के संदूक के आगे आगे तुरहिया बजाते हुए चले, और ओबेदेदोम और यहियाह उसके द्वारपाल थे, और दाऊद और इस्राएलियों के पुरनिय और सहस्त्रपति सब मिलकर यहोवा की वाचा का संदूक ओबेदेदोम के घर से आनंद के साथ ले आने के लिए गए। जब परमेश्वर ने लेवियों की सहायता की
जो यहोवा की वाचा का संदूक उठाने वाले थे, तब उन्होंने 7 बैल और 7 मेंढे बलिदान किए। दाऊद और यहोवा की वाचा का संदूक उठाने वाले सब लेवीय और गाने वाले और गाने वालों के साथ राग उठाने वाले का प्रधान कनन्याह, ये सब तो सन के कपड़े के बागे पहने थे और दाऊद सन के कपड़े का एपोद पहने था। इस प्रकार सब इस्राएली यहोवा की वाचा के संदूक को जय जयकार करते और नरसिंगे, तुरहिया और झांझ बजाते और सारंगिया और वीणा बजाते हुए ले चले। जब यहोवा की वाचा का संदूक दाऊदपुर में पहुंचा, तब शाऊल की बेटी मीकल ने खिड़की में से झांककर दाऊद राजा को कूदते और खेलते हुए देखा और उसे मन ही मन तुच्छ जाना।